तो सालों बाद ऐसा संयोग बनता है, आप मौसम देखो, मौसम का कैसा संयोग बना है। तो आज की मौसम की मैं बात करूं तो ये है आज का मौसम, कुछ बोल ही नहीं सकते। कैसा है? तो लाइट वगैरह आ नहीं रही दो दिन से, तो मैं कहीं और जा रहा हूँ फ़ोन चार्ज करने, कम से कम 10 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ फ़ोन चार्ज करने। तो फ़ोन चार्ज करते हैं उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि 8% बैटरी है। तब तक के लिए बाबा, लोग सड़क पे आ चुके हैं और अब निकल रहे हैं धुंधली की ओर, तो चार्ज नहीं है। तो अब मैं कैंप से करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आया तो देखा कमर साइड बर्फ़ पड़ी हुई है। तो कल रात को इतना ठंडा तो हो ही गया था कि जो हमसे ज़्यादा हाइट पर है ना वहाँ पर बर्फ़ पड़ गई थी, शेमुखे में बर्फ़ पड़ गई। और यहाँ पर भी देखो जी, बाय बाय, सी यू अगेन। अब जब मार्केट आए गए तो सब्ज़ी वगैरह भी ले जाते हैं, तो फिर यहाँ पे ये टमाटर और बहुत सारी सब्जियाँ हैं, तो फटाफट से सब्जी करते हैं और फिर निकलते हैं। करते और तो गाइस, मैं अभी एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पे हूँ और हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो बेसिकली जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बोया का MM1 माइक है, और मतलब सैंपल दिखाना मैंने आपको बोला था तो सैंपल भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी ये मैंने माइक रिमूव कर दिया, तो अभी जो आवाज़ आ रही होगी ये बिना माइक के है, और अब जो आवाज़ आएगी वो माइक के साथ होगी। तो एक मिनट आप होल्ड कीजिए, अब आप आवाज़ सुन रहे होंगे वो माइक के साथ है। क्या हाल है? या बढ़िया वीडियो बनाते हैं आप? ओके थैंक यू भाई, देखते हो ना पूरा पूरा? हाँ सपोर्ट किया करो थोड़ा, ठीक है जी। अभी कहाँ जा रहे हो? थोड़ा तो गाइस, अभी एक भाई मिला हमारा है आप भाई यहीं तक, तो अभी यहाँ पे रुका हूँ। देवभूमि है तो मंदिर होना तो स्वाभाविक है। और देखिए यहाँ पे देवदार का पेड़ बहुत खूबसूरत, और इस टाइप के मंदिर है यहाँ पे, हर एक मोड़ पे मिलेंगे आपको। तो इस टाइप की सीन है, और ये है हमारा तो ये हमारी नदी है। सीधे अगर यहाँ से कोई फिसल गया सीधे नीचे जाएगा, और जो पल्ली वाली रोड है काफ़ी खूबसूरत लगती है ना साइड से। यहाँ पे कुछ लोग हमारी वाली रोड थोड़ा हाइट पे ज़्यादा है। कौन जोगिंदर? तू जोगिंदर? बाकी डिटेल मैंने पिछले वीडियोस में दे दी थी, इसमें मुझे खाली सैंपल दिखाना था। तो कल बारिश हो रही थी, बाहर गया नहीं, तो इसमें सैंपल देख लो आप। दो दिन से लाइट नहीं थी, तो अभी घर निकलते हैं। और जो ट्राईपोड का रिव्यू करना है मुझे, जो ट्राईपोड के सैंपल देखने, वो आप ऐसे भी देख सकते हैं वैसे, लेकिन बेसिकली अगर मुझे बताना हो तो मैं एक अलग सी वीडियोज़ बनाऊँगा, तो उसमें बताऊँगा कि ये ट्राईपोड कैसा है और कितना तक कम्फर्टेबल है, मतलब अच्छा है कि कैसा है, सैंपल देख के पता चल गया होगा। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही तो घर निकलते हैं। ये देखो हाथ कर दो बिना हेलमेट का। फिलहाल हम गांव पहुंच गए और ये है हमारी सब्जी। ऐसा होता है क्या कहीं? क्यों सर? कैमरे पे बोलो, ऐसा क्यों किया आपने? इतना 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 सर दर्द है, मतलब कि पता ही नहीं चला। मुझे कुछ दिखाता हूँ। इन्होंने पहले डिमांड मार दी और जेटो किया ही नहीं, अभी जाना पड़ेगा कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर, फिर जेटो करना पड़ेगा, तब जाके घर आएंगे हम। तो अभी हम सिरी वाली रोड पे हैं और ये रिकॉर्डिंग में बिना माइक के कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, और रोड भी नहीं बनी हुई है, काफ़ी अच्छी रोड है, तो यहाँ पे आके आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, और अच्छी लोकेशन है। पे
पे हम बहुत कम आते हैं, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने बोला प्रधान जी चलो चलते हैं, थोड़ा पुल के ऊपर फोटो वगैरह करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो बस आगे और अच्छा लगा, रोड भी काफ़ी अच्छी बन चुकी है अब तो। अभी जो साउंड है वो नदी का साउंड ज़्यादा है, तो काम है कुछ खमाखाल। खमाखाल क्या है, पार्टी शार्टी करेंगे आप? हाँ मैं करूँगा पार्टी। चले बिल्कुल चलो, तो सीधे खमाखाल चलेंगे, पार्टी शार्टी देखते हैं। आशा भाई भी बहुत दिनों से नाराज़ है कि कुछ खाते पीते हो नहीं यहाँ पे, तो चल जो सब्सक्राइब वाला बटन होता है तो उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता, तो सब्सक्राइब करो, और शेयर करने का कोई पैसा नहीं है तो आप शेयर भी करो यार। तो आज का दिन काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी मज़ा आया इधर उधर घूमने में, और अभी चाय पी रहे हैं, तो इस वीडियो का एंड करते हैं। तो एक खूबसूरत सा एंड छोड़ देता हूँ।